हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूजॉटा ब्लॉग। दोस्तों, टाटा मोटर दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और जहां तक इसके सेल्स फिगर की बात करें अप्रैल 2022 में, तो कुल पैसेंजर व्हीकल्स बिकी है इसकी 41,587 यूनिट्स। और इसकी हम कंपेयर करते हैं अप्रैल 2021 में, तो उस समय इसकी कुल यूनिट बिकी थी 25,095 यूनिट्स, यानी कि एक साल में 65.72% की ग्रोथ देखी गई है। यानी कि टाटा मोटर ने अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में अप्रैल 2022 में 16,492 कारें ज़्यादा बेची हैं। और इसके अलावा टाटा मोटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी काफ़ी डिमांड है दोस्तों। वहीं हम अप्रैल 2021 की बात करें तो टाटा मोटर ने कुल 581 ईवी बेची थी, और इसके कंपैरिजन में अप्रैल 2022 में टाटा मोटर ने कुल ईवी बेची है 2,322 यूनिट्स। अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में अप्रैल 2022 में 300% की ग्रोथ देखी गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दोस्तों। और इसके अलावा टाटा मोटर ने मार्च 2022 में कुल कारें बेची थी 42,293 यूनिट्स। इसके कंपैरिजन में अप्रैल 2022 में टाटा मोटर ने कुल कारें बेची है 41,587 यूनिट। यानी कि अप्रैल 2022 में मार्च 2022 के कंपैरिजन में 706 कारें कम बेची गई है। मार्च 2022 के कंपैरिजन में अप्रैल 2022 में 1.67% की गिरावट देखी गई है दोस्तों। कुछ दिन पहले ही टाटा मोटर ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि टाटा कर्व, जो कि काफ़ी शानदार डिज़ाइन के साथ पेश किया गया है, जिसका कॉन्सेप्ट वर्जन है, और इसके अलावा टाटा मोटर की अपकमिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका नाम रखा गया है अवेन्या, जो कि कॉन्सेप्ट वर्जन है। यानी कि टाटा मोटर के आने वाले दिनों में काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है दोस्तों। ये थी अप्रैल 2022 में टाटा मोटर के सेल्स फिगर। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना यूं ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉकराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।